सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर के बारे में। तो सारे स्पाइडरमैन के फैंस स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर का वेट कर रहे हैं, पर इंटरनेट पे कुछ ऐसे रिपोर्ट्स अभी निकल के आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आप काफी जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला है। स्पाइडरमैन नो वे होम 17 दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली है, पर अभी तक हमें इस मूवी का सेकंड ट्रेलर देखने को नहीं मिला है। सो बेसिकली डैनियल आरपीके की तरफ से कुछ और रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर से रिलेटेड, तो मैं इस वीडियो में उन्हीं रिपोर्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली कल ट्विटर पे डैनियल आरपीके ने, जो कि काफी रिप्यूटेड इंडस्ट्री इनसाइडर है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये बताया कि स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर इज नॉट कमिंग एनी टाइम सून, जिसके बाद सारे फैंस को ये लगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम डिले भी हो सकती है। बेसिकली मार्वल ने अपने 2022 और 2023 में आने वाले सारे मूवीज को डिले कर दिया है, इसलिए फैंस को ऐसा लगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम भी डिले हो सकती है। बेसिकली मार्वल के सारे डिलेज के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है, आपको लिंक आई बटन मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। सो मार्वल ने अपने सारे मूवीज को डिले तो किया है, पर सोनी ने कोई मूवी डिले नहीं किया है और स्पाइडरमैन नो वे होम अपने टाइम पे ही आएगी, यानी कि 17 दिसंबर को ही आएगी। इसके अलावा इस बात को कंफर्म करते हुए डैनियल आरपीके ने एक ट्वीट करके बताया कि स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर इज नॉट कमिंग एनी टाइम सून, पर स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर हो सकता है 2 से 3 हफ्तों में ड्रॉप हो। पहले ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर 25 अक्टूबर को ड्रॉप हो सकता है या फिर इटर्नल्स से पहले ड्रॉप हो सकता है, पर डैनियल आरपीके का ये कहना है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 से 3 हफ्तों बाद आएगा। तो अगर आप इस हफ्ते को काउंट करते हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर इटर्नल्स के रिलीज डेट के आसपास आना चाहिए, पर अगर आप इस हफ्ते को काउंट नहीं करते हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर इटर्नल्स के रिलीज के बाद आना चाहिए। बेसिकली 14 नवंबर को डिज्नीज इन्वेस्टर डे भी है, तो हो सकता है उस दिन भी स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो। सो बेसिकली कल सोनी ने अपने अनचार्टेड मूवी का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें भी टॉम हॉलैंड बेसिकली मेन रोल में है। सो क्योंकि कल सोनी ऑलरेडी एक मूवी का ट्रेलर ड्रॉप कर चुकी है, तो मुझे नहीं लगता है कि 25th को स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर आएगा और सोनी इतनी जल्दी दो मूवीज का ट्रेलर ड्रॉप करेगी। मोस्ट प्रोबेबली सोनी स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर नवंबर के स्टार्टिंग में ड्रॉप कर सकती है इटर्नल्स से ठीक पहले, पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इटर्नल्स रिलीज के बाद डिज्नीज इन्वेस्टर डे के आसपास स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर आ सकता है। इसका मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम का दूसरा ट्रेलर मूवी के रिलीज से ठीक एक महीने पहले आ सकता है। सो अभी आपको स्पाइडरमैन नो वे होम के दूसरे ट्रेलर के लिए कुछ हफ्ते और वेट करना पड़ेगा, पर आई थिंक द वेट विल बी वर्थ इट। बाकी आज सुबह मैंने जेंडाया की नई मूवी ड्यून के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है और ड्यून का रिव्यू किया है। सो अगर आपने मेरे ड्यून का रिव्यू वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल रहा होगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।